अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप जहाँ कहीं भी हैं खुश हैं अपने फैमिली के साथ। आज मैं कार धोने लगा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना कार लाया हुआ है, वहाँ पार्किंग में खड़ा हुआ था और मैंने यहाँ पर लाया। आज इसको धोएंगे और बहुत गंदा हो गया है कार, काफ़ी दिनों से धोया नहीं है। और यहाँ पे जैसे कार वॉश है वो भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो अपना जो मज़ा है क्लीनिंग में वो कोई और नहीं कर सकता, आप लोगों को पता है, क्योंकि ये मेरा अपना ही गाड़ी है, तो इसको मैं अपने हाथों से ही साफ करूँगा। तो इतना महंगा भी नहीं है कार वॉश, सिर्फ 15 दरम, लेकिन मैं घर में ही साफ करूँगा क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास, साबुन है, पाइप है, वाटर है, सब कुछ है। तो दोस्तों, ये है मेरा कार, मैंने गेट खोल लिए और इसका अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर, और ये आप मिट्टी देख सकते हैं, कितने कचरे, माय गॉड। तो ये है मेरा प्यारा सा गाड़ी लेक्सस 430, और ये इतना महंगा भी नहीं है दुबई में, तकरीबन 13,000 और 12,000 का आपको आराम से इजी मिल जाएगा। और यहाँ पे दूसरा एक बात, दुबई के अंदर गाड़ी बहुत सस्ते हैं, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ भी अगर आपको अपना गाड़ी भेजना है उसका टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे गाड़ी बहुत सस्ते हैं। आपको नया नया गाड़ी भी मिलेगा 15,000 का, सिर्फ 15,000, और बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। दूसरे बोलने दे जी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये साबुन, और गाड़ी के पिछले जो साइड है वो वॉश हो गया, तो ये आप देख सकते हो। क्या देख रहे हो गाड़ी को कैसे मैं वॉश कर रहा हूँ, क्योंकि हर कोई अपना चीज़ संभाल के रखता है, तो इसीलिए तो मैं वॉश कर रहा हूँ। और मैं अकेला हूँ, कोई दूसरा मेरा साथ नहीं है, क्यों मेरा मोबाइल पकड़े, कोई बात नहीं, जब मैं मशहूर हो जाऊँगा किसी को रख लूँगा। अभी तो हर कोई मेरे ऊपर हंस रहा है, कह रहा है क्या फ़ायदा, पागल हो, वीडियो बना रहे हो, ये वो है, घर वाले हैं सब दोस्त लोग कह रहे पागल हो, ये वो, कुछ फ़ायदा नहीं है। देखते हैं नसीब में क्या लिखा है, हिम्मत नहीं हारूंगा, मेहनत करता रहूंगा। और दोस्तों, मैं दुआ करता हूं अगर मैं कामयाब हो गया अपने मंजिल पे पहुँच, उसका मैं मदद करूंगा, ज़रूर करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि मैं YouTube में कामयाब हो जाऊं और दूसरों का मदद करूं। दोस्तों, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, ये नहीं कि खैर हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन मैं इतना भी भूखा नहीं हूं, ऊपर वाले का शुक्र है। मेरे पास अपना मेरा गाड़ी है और मेरा अपना कारोबार भी है, लेकिन बस एक शौक है, एक जुनून है और कुछ भी नहीं। तो यही है दोस्तों, बस आप लोगों के सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मैं आगे जाऊं और इंशाल्लाह मैं हर किसी का मदद करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं हर किसी का मदद करूं। तो यही है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ जी। तो दोस्तों, मैं हाजिर हुआ, गाड़ी साफ हो गया और काफ़ी टाइम भी लगा गाड़ी को धोने के लिए, और शीशा खुला हुआ था, मक्खियाँ देखें अंदर राज कर रहे हैं। तो यही है दोस्तों, ये गाड़ी का इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं, स्टीयरिंग ये गाड़ी का अपना नहीं है, कामरी का है, मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि कामरी का सामान जो है ये गाड़ी में लेक्सस में भी लगते हैं। और ये टीवी लगा हुआ है, और पीछे आप देख सकते हैं सनरूफ भी है गाड़ी के अंदर, और इसमें नए नए फ्यूचर भी हैं जैसे लग्जरी गाड़ी में होते हैं। इसको चालू करेंगे फिर आप सुने। ये आप सुन रहे हैं, इसमें सब ऑप्शन है,
गाड़ी साफ हो गया, सब काम हो गए। अभी मैं फिर जाऊंगा शावर करूंगा, क्योंकि पसीना हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगता। स्टाइल नहीं मार रहा हूँ, ये मेरा उसूल है, थोड़ा बाहर जाओ आओ और शावर करो, ये सुन्नत भी है। मुझे साफ अपने आप को, अपने चीज़ों को साफ रखना बहुत शौक़ है। तो यही है दोस्तों, तो पहले मैं बात कर रहा था कि लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि पागल हो गए हो, वीडियो बना रहे हो, खुद से खुद बात कर रहे हो। मैंने बोला बस मेरे मुझे शौक़ है। खैर, मेरे घर वाले जो हैं पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को पता है कि यूट्यूब के बारे में, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं अपने टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मुझे आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है, बस मुझे शौक़ है कि मैं अपने मंजिल पे पहुंच जाऊं और दूसरों का काम आऊं। तो बस पहले ऊपर वाला और दूसरे आप लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरा। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज़। फ़िलहाल हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, तो मिलेंगे एक नई ब्लॉग में और एक नई जगह में। लव यू ऑल, टेक केयर, दुआ में याद रखिए, और वीडियो में कुछ कमी आई तो मुझे बता देना, तो इंशाल्लाह मैं अपना कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और जो चीज़ आप लोगों को पसंद आया वो भी मुझे बताएं कमेंट्स में। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई व्लॉग में एक नई जगह। अल्लाह हाफिज़।